अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ZTBL के पास पेपर की। तो डियर फ्रेंड्स, आपने ZTBL OG3 और ऑफिसर ग्रेड 3 में अप्लाई कर दिया होगा, तो उसमें आपने इस तरह, डियर फ्रेंड्स के कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि इसमें किस तरह का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो मैंने आज ये ZTBL का जो पास पेपर है, जो 2024 में ऑर्गेनाइज हुआ था, ये आई थिंक जनवरी में जो है ना ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसमें मैं सारे आपके जो है ना ये फुल पेपर 100 MCQs शेयर कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, विद आंसर। इनके आंसर के साथ आपको बताऊंगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के MCQs आते हैं। तो मैं इसकी सीरीज़ भी यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, यानी कि एग्रीकल्चर के MCQs, मैथ के MCQs और फिर इंग्लिश और बाकी जो है वो करंट अफेयर, GK वगैरह के MCQs किस तरह के आते हैं। और डियर फ्रेंड, इसके सिलेबस की जो है ना वो मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मैं उसका जो है ना वो एंड में दे भी दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का सिलेबस होता है। और न्यू सिलेबस अगर आया तो वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो डियर फ्रेंड, इसमें ये था कि सबसे पहले इंग्लिश का इस टेस्ट में इंग्लिश के MCQs थे। इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया हुआ था और पैराग्राफ में से आपने ये 5-6 MCQs जो है ना वो सॉल्व करने थे। उसके बाद एंटोनियम भी थे, सिनोनिम भी थे और सेंटेंस कंप्लीशन भी थे। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये आपने पैराग्राफ रीड कर लेना है। ये मैं पैराग्राफ अभी रीड नहीं करूँगा, लेकिन आपने ये वीडियो पास करके ये सारा पैराग्राफ रीड करके ये MCQs ध्यान से पढ़ने, इस तरह ही पेपर नेक्स्ट टाइम ही होगा। तो इसमें डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ मीन्ट बाय पैरासाइट्स इन द पैराग्राफ। डियर फ्रेंड, वो पूछ रहा है कि इस पैराग्राफ में पैरासाइट का मतलब क्या था। ये डियर फ्रेंड, पैरासाइट वो साइंस वाला नहीं है, इसमें ये पाकिस्तान की और कुछ हिस्ट्री इस तरह बयान की गई है, तो उसमें हमने समझना है कि पैरासाइट किसको कहा गया। तो इस पैराग्राफ में पैरासाइट को करप्ट जो है ना वो सोशल प्रैक्टिस को कहा गया, मेकिंग इन द सिस्टम ऑफ फॉलो। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2, एज़ पर द आथर, टेररिज्म इस पैराग्राफ के लिहाज से कैन क्या कर सकती है, डिसइंटीग्रेट पाकिस्तानी नेशन। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड, एज पर आथर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो नन ऑफ द अबव इज़ इसका आंसर था, क्योंकि सारी स्टेटमेंट ये करेक्ट हैं। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड, एज पर आथर, विच प्रोविंसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पोलिटिकल चेंजेस। तो इसमें डियर फ्रेंड, पंजाब एंड सिंध है ये पैराग्राफ के मुताबिक। नेक्स्ट डियर फ्रेंड, एज पर ऑथर, द रिवोल्ट इन पाकिस्तान इन पठान एरियाज आर। तो इसका डियर फ्रेंड सी ऑप्शन, नो ग्रेव इम्पैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट डियर फ्रेंड, एंटोनियम, दिस सिंबल इज़ द मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू। तो इसका मीनिंग अपोजिट बताना है, स्पीक ट्रूथफुली, इसका डियर फ्रेंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, स्पीक ट्रूथफुली। नेक्स्ट डियर फ्रेंड, सिनोनिम ऑफ एविएशन इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू। तो इसका डिफरेंट जो करेक्ट आंसर है वो है डेविएशन। नेक्स्ट डिफरेंट सेंटेंस कम्प्लीशन है। सेंटेंस कम्प्लीशन में द फिलोसोफर आर्ग्यूज दैट फार फ्रॉम बीइंग डेड। तो इसका जो है वो अल्ट्रुइज्म एंड वीडियोग्राफी, ये दो इसमें आने हैं। पहले में अल्ट्रुइज्म इज़ अ फीचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन मॉडर्न टाइम्स, हिज वीडियोग्राफी लिस्ट आर्टिकल्स कंटेनिंग द मैनी इंस्टेंसेस लाइक sacrificing themselves in the good of others. Next different antonym spoof is mostly near opposite in meaning to. तो genuine article जो है इसका C option correct है. Next different his sentences completion है. तो इसका है too many candid revolution can. तो इसका paradoxically और duplicity end में आएगा difference. Next different फिर sentence completion है. तो sentence completion की different आपने काफ़ी practice कर लेनी है. नेक्स्ट है मेरिन वाज सफिशेंटली, तो इसका प्रेस जो है ना वो परस्पिएशन परपेशियस पहला है और पेटाइल नेक्स्ट है डिफरेंट। नेक्स्ट है डिफरेंट सेंटेंस कम्प्लीशन फिर, फॉर ऑल देयर टॉक ऑफ रीजनरेटिंग द लैंड डिपोल्यूटेड बाय माइनिंग, द लोकल गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू ऑफर अ क्रेडिबल प्लान। नेक्स्ट है डिफरेंट एंटोनियम फिर आ गया कंट्रोल्ड, CONTRITE, द मोस्ट नियरली अपोजिट मीनिंग इसका है अनरिप्रेजेंटेड। तो डी ऑप्शन डिफरेंट इसका करेक्ट है, अनरिपिटेंट। नेक्स्ट डिफरेंट emollient, EMOLLIENT इज़ द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू soothing, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट डिफरेंट नोजीसम, NOISOME, तो नोजीसम का मतलब होता है डिफरेंट, शोर मचाना, तो इसका एंटोनियम प्लेजेंट आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट
सिनोनिम ऑफ सक्रोसेंट इज मोस्ट सिमिलर टू द डी फील्ड है। नेक्स्ट डिफरेंस सिनोनिम है डिगोरेटिव का है, डिमिसिव है। नेक्स्ट डिफरेंट टायरो का है एक्सपर्ट। नेक्स्ट डिफरेंट फिर सेंटेंस कंप्लीशन है। सेंटेंस कंप्लीशन इज इन 1980 शूटर टुक द, तो इसका डिफरेंट ये सी ऑप्शन करेक्ट है, मोमेंटस एंड हाइबोंड। ये डी ऑप्शन गलती से जो है ना वो हो गया। नेक्स्ट डिफरेंट एंटोनियम प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन का एंटोनियम जो है वो सप्रेशन, सी ऑप्शन है। डिफरेंट ये सारे जितने एम सी क्यूज मैंने अभी बताए हैं आपको, ये 20 हैं, तो ये सारे इंग्लिश के थे। तो इसके बाद डिफरेंट आपने ये करना है कि आपने एंटोनियम, सिनोनियम और एक पैराग्राफ और सेंटेंस कंप्लीशन इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी एम सी क्यूज सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट है मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई है। तो मैथमेटिक्स में है ए फार्मर हार्वेस्टेड 500 किलोग्राम ऑफ व्हीट फ्रॉम हिज फील्ड। एक फील्ड में वो 500 किलोग्राम की जो है फील्ड जो है ना वो हार्वेस्ट करता है। इफ़ ईच बैग कैन होल्ड 25 किलोग्राम ऑफ व्हीट, हाउ मैनी बैग्स डिड ही फिल। तो डिफरेंट आपने क्या करें, इसको जो है वो डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 500 को, तो इसका जो है वो आंसर 20 बैग्स आ रहा है। नेक्स्ट डिफरेंट इफ अ कैप रिक्वायर्स 3 लीटर ऑफ वाटर पर स्क्वायर मीटर, हाउ मच वाटर इज नीडेड टू इरीगेट अ फील्ड ऑफ 500 स्क्वायर मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड पेरीमीटर ऑफ 120 मीटर, देन इफ द लेंथ इज 40 मीटर हाउ मच द वर्थ ऑफ द फील्ड। तो डिफरेंट इसको आपने क्या करना है, वो पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ करना है, ए इज इक्वल टू, तो इसमें आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। तो इसमें डिफरेंस आपका इसका आंसर जब इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर आएगा। नेक्स्ट डिफरेंट फार्मर आ फील्ड प्रोड्यूसेस 10% मोर कॉर्न इन फार्मर बी फील्ड, इफ फार्मर बी फील्ड इज प्रोड्यूसेस 800 किलोग्राम ऑफ कॉर्न, देन हाउ मच कॉर्न डिड फार्मर ए फील्ड प्रोड्यूसेस। तो हमने इसका डिफरेंट क्या करना है, 800 का 10% निकाल लेना है और फिर उसमें ऐड अप जब 800 में करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 880 किलोग्राम। नेक्स्ट डिफरेंट ये फार्मर हैज़ रेक्टेंगुलर फील्ड विद द लेंथ ऑफ 50 मीटर एंड विड्थ ऑफ 30 मीटर, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड। तो डिफरेंट रेक्टेंगुलर का एरिया फील्ड करना, एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करते हैं, तो 50 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट इफ द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर 1 acre ऑफ द लैंड इज 50 rupees, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फर्टिलाइज फील्ड ऑफ बी एरिया। तो इसमें डिफरेंट इस तरह है कि अगर एक फील्ड को करने के लिए 50 है तो हमने जो 8 फील्ड को करने के लिए इसको 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट डिफरेंट इफ अ फार्मर नीड्स टू वाटर द क्रॉप्स एवरी 3 days, देन हाउ मच टाइम डज ही नीड टू वाटर देम इन अ मंथ। कि अगर वो डिफरेंस एवरी 3 days उसे जो है वो करता है तो वो इसे कितने जो मंथ में कितने टाइम जो है ना वो इसको करना पड़ेगा, तो इसमें 12 टाइम्स आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट इफ एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर इज़ 500 किलोग्राम विद अ फार्मर, देन 2 hectare में कितनी होगी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट फार्मर हार्वेस्टेड 400 bushes ऑफ एप्पल्स, इफ ईच bushes ऑफ एप्पल कंटेन 50 एप्पल, तो वो पूछ रहा है टोटल एप्पल कितने होंगे, तो इसको भी डिफरेंट और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट फार्मर एक्स सोड बा 2/5 ऑन हिज फील्ड राइस इन द रिमेनिंग, इफ द फील्ड इज 10 hectare, हाउ मेनी hectares आर सोन विद राइस। तो डिफरेंट आप इसका जो है वो इसे सॉल्व करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 6 आ जाएगा hectare। नेक्स्ट डिफरेंट अ फार्मर डिवाइडेड हिज लैंड इंटू 3 equal parts, इफ़ द टोटल एरिया ऑफ द लैंड इज 15, देन वट इज़ द एरिया ऑफ ईच पार्ट। तो डिफरेंट आसान सा क्वेश्चन है, उसको आपने 15 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट इफ अ ट्रैक्टर कैन प्लो 2 acre land in 4 hours, देन हाउ मैनी acres कैन बी प्लो इन 8 hours।
ये अगर 2 एकड़ जो है ना वो 4 आर में कर रहा है तो 8 एकड़ कितने आर में करेगा, तो इसमें डबल टाइम डिफरेंस लेगा, 2 या तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट है, ए फार्मर हैज़ 2 फील्ड, इफ़ 1 फील्ड इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ द अदर देन हाउ मच डिफरेंट 34 है हमारा, तो इसमें साइज ऑफ द अदर एंड द स्मॉलर फील्ड इज़ 5 एकड़, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द बोथ फील्ड। तो डिफरेंट इसमें क्या करेंगे कि इसका ए फार्मर हैज़ अ 2 फील्ड, इफ 1 फील्ड इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ द अदर देन होम फील्ड 5 एकड़, तो इसका डिफरेंट 15 एकड़ आएगा। नेक्स्ट डिफरेंट, इफ द कॉस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड फॉर अ फील्ड इज़ 2 पर स्क्वेयर मीटर देन हाउ मच द 800 स्क्वेयर मीटर, 800 स्क्वेयर मीटर के लिए कितने लगेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट, फार्मर हैज़ 15 कोस, ईच को प्रोड्यूसेस यील्ड एवरेज 20 लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क डज द फार्मर गेट अ वीक। तो हमने एक वीक का मालूम करना है डिफरेंस, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, ए फार्मर हैज़ अ 15 कोस एंड ईच ऑफ द को एवरेज यील्ड जो है ना वो उसकी 20 लीटर है, तो इसे हम क्या कर देंगे, 20 को जब हम 7 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वीक का हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट, इफ़ अ फार्मर हैज़ अ सर्कुलर पॉन्ड विद द रेडियस ऑफ 8 मीटर, तो उसमें उसका एरिया फाइंड करने के लिए 2 पाई आर स्क्वेयर से हम जो है फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो 200 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट, फार्मर डिवाइड द लैंड इनटू द इक्वल पार्ट्स देन वीट कॉर्न बार्ले, इफ़ ही 15 हेक्टेयर देन हाउ मच एलोकेट 5 एकड़ टू द, तो इसलिए डिफरेंस परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो इसका 33.33 इसका ये आंसर है। नेक्स्ट डिफरेंट, हाउ मैनी वेज कैन बी 8 पाकिस्तानी एंड 4 अमेरिकन एंड 4 इंग्लिशमैन कैन बी सील्ड सीटेड इन अ रो सो दैट द पर्सन सेम नेशनलिटी स्टिल टुगेदर। तो डिफरेंट इसमें 3 आई आएगा पहले, उसके बाद जो है ना वो 4 फैक्टोरियल, फिर 6, फिर 4। नेक्स्ट डिफरेंट, द नंबर होज 3% इज 60, तो इसमें डिफरेंट 3/100 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंट, अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली डाइज इन 2016। नेक्स्ट डिफरेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट, ये अब मैथ का नहीं बल्कि जीके का स्टार्ट हो गया, जीके में इस्लामिक स्टडी भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगा, तो इसमें जो है ना वो इंटरनेशनल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंप्राइजेज 15 जजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लैंड लॉक्ड कंट्री, तो इसमें ये डिफरेंट डी ऑप्शन करेक्ट है, डिजिबोल्टी। नेक्स्ट डिफरेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हील्ड व्हीकल्स, तो इसमें डिफरेंट ऑडोमीटर है। नेक्स्ट है, द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन द, तो डिफरेंट देख सकते हैं एवरी डे साइंसिस का भी क्वेश्चन आ गया, कन्वर्जेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट डिफरेंट, व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, तो डिफरेंट ये है 384,400 किलोमीटर। नेक्स्ट डिफरेंट, ROM इज़ द एब्रीवेशन ऑफ रूम, तो डिफरेंट ये कंप्यूटर का भी MCQs आ गया, रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट डिफरेंट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन बॉडी इज 46। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बोन्स ह्यूमन इज कम्पोज एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो डिफरेंट ये 206 बोन्स होती हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंट, ASCII इज़ द एब्रीवेशन ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट डिफरेंट, हमारे पास ऑन द 8 अक्टूबर 2005 एन अर्थक्वेक विद मैग्नीट्यूड ऑफ 7.6 स्ट्रक द कश्मीर एंड द मैनी नॉर्दर्न एरियाज। नेक्स्ट डिफरेंट, ऑन May 15 जस्टिस नूर मस्कंजन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट टुक ऑथ एज चीफ चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीफ कोर्ट। नेक्स्ट डिफरेंट, ऑन द जून ऑफ 15, इसमें डिफरेंट ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है तो ये मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट डिफरेंट, द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें SA रहमान। नेक्स्ट डिफरेंट, अंडर द 26th Amendment द सीट ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इन KP असम्बली हैज़ बीन इंक्रीज फ्राम 16 to 24। नेक्स्ट डिफरेंट, दिस फर्स्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, तो सूरह फातिहा है। नेक्स्ट डिफरेंट, द नंबर ऑफ प्रोफिट हुज नेम आर इन द होली कुरान, तो डिफरेंट ये 25 है। नेक्स्ट, हु कंसिडर्ड द कुरान एज द क्रीचर ऑफ अल्लाह, तो इसमें डिफरेंट बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिलीजन ऑफ द
majority of the Arab people are Christianity. National defense, the name of the six kalma to radi kufar hai, defense ye kalma radi kufar. Next है कॉग्स, ये डिफेंस एन पी वी आई ए आर आई आर आर इस तरह के एन सी ओ जो है ना वो बैंकिंग के रिलेटेड और अकाउंट्स के रिलेटेड वो स्टार्ट हो गए. तो इसमें डिफरेंट ये कुछ इसके होंगे एन सी ओ और कुछ फिर एग्रीकल्चर के होंगे. इफ़ द कॉग्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ 1820 एंड द ग्रोस प्रॉफिट इज़ 80, वट इज़ द सेलिंग प्राइस. तो डिफरेंट इसमें आपने सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए कॉग्स प्रोडक्ट की और साथ में ग्रोस प्रॉफिट ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट डिफरेंट फाइनेंशियल टर्म हुज मीन आई आर आर रिप्रेजेंट टू. आई आर आर डिफरेंस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, इसका एग्रीवेशन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. नेक्स्ट डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इज 50,000, द कैश इनफ्लो इट इज 20,000 पर ईयर और फोर ईयर एंड द डिस्काउंट रेट इज 10%, वट इज़ द एन पी वी. तो डिफरेंट ये एक फार्मूला है उससे आप सोल्व करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा इनका लॉस कितना है. तो डिफरेंट ये सारे एम सी क्यूज जो है ना मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा इनके अलग अलग से कि ये किस तरह सोल्व करते हैं. अभी मैं इसमें सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ. नेक्स्ट डिफरेंट कॉग्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसमें एसेंशियल कंपोनेंट कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट होता है. नेक्स्ट डिफरेंट ये फार्मर इन्वेस्टेड ऑफ आर एस 10,000 इन न्यू इरीगेशन सिस्टम इफ़ द एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लो फ्रॉम द सिस्टम इज 2,500 ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स देन द डिस्काउंट रेट इज 8% देन द वट इज़ द एन पी वी. एन पी वी तो डिफरेंट इसमें मैंने आपको बताया इसके एनसीओज होंगे तो इसका फार्मूला आपको आता होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं. इसका 1,000 आंसर है. डिफरेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह के जो एनसीओज अपलोड करूँगा कि ये आपने किस तरह सोल्व करने तो आपके वीडियो मिल सके. नेक्स्ट डिफरेंट इफ़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ 80,000 एंड द डिस्काउंटेड कैश इन फ्लो आर 30,000 देन पर ईयर फॉर 3 ईयर्स वट इज़ द आई आई आर आई आर आर. तो डिफरेंट ये देख सकते हैं आप आई आर आर एन पी वी के क्वेश्चन आए हुए हैं तो इन दोनों के आपके फार्मूलाज आपको आने चाहिए. नेक्स्ट डिफरेंट विच फाइनेंशियल मैट्रिक्स प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंपनी टू एसेट इन द जनरेटिंग प्रॉफिट. तो इसमें डिफरेंट रिटर्न ऑन एसेट इसमें जो टर्म यूज़ होती है आर ओ ए. नेक्स्ट डिफरेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड यूज फॉर एवेल्युएटिंग द प्रोफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बाय फाइंडिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ द इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. तो डिफरेंट अभी आपने देखा होगा आई आर आर जो है इसी में कैश इनफ्लो और ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो आई आर आर इसका आंसर है. नेक्स्ट डिफरेंट द फार्मूला कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है. तो डिफरेंट ये रेवेन्यू माइनस कॉग्स होता है. नेक्स्ट डिफरेंट वट इज़ द फार्मूला कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम. नेक्स्ट डिफरेंट फार्मर टुक अ लोन ऑफ 15,000 एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%. इफ द लोन इज प्रीपेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट वट इज़ द टोटल इंटरेस्ट पेड. इसमें 1800 बनेगा. नेक्स्ट डिफरेंट इन फाइनेंशियल टर्म वट डज आर ओ आई मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट डिफरेंट वट इज डज एन पी वी स्टैंड फॉर. एन पी वी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं. नेक्स्ट डिफरेंट द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द आर ओ आई. आर ओ आई का नेट इनकम ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेट इनकम ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100. नेक्स्ट डिफरेंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 150 एंड द कॉग्स इज 80 वट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट. अभी हम वहाँ पर देख के आ रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है कि नेट इनकम जो होती है उसमें से ग्रो कोग्स सी ओ जी एस जब माइनस करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है. डिफरेंट ये इंतहाई आसान एन सी ओज होते हैं अगर इनके फार्मूलाज आपको आने लग जाएं कोग्स आई आर आर एन पी वी ग्रोस प्रॉफिट और आर ओ आई तो आप आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं ये सारी वीडियोज़ जो है ना वो अपलोड करूँगा कोग्स के ऊपर एन पी वी के ऊपर आर ओ आई के ऊपर ताकि उसमें फार्मूलाज भी बताऊंगा और कुछ एग्जांपल देके इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा तो आपको ये आने लग जाएंगे. कोई भी इस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में आएंगे तो आप सॉल्व कर सकेंगे इजीली. नेक्स्ट डिफरेंट व्हाट फाइनेंशियल रेशो इंडिकेट दैट द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सीड सी ओ जी एस. तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है. नेक्स्ट डिफरेंट इन एन पी वी एनालिसिस द कैलकुलेटेड एन पी वी इज़ पॉजिटिव इट इंडिकेट दैट प्रॉफिटेबिलिटी. जब पॉजिटिव होगा तो डिफरेंट ऑफकोर्स आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव उन्हें प्रॉफिट हो रहा है. अगर नेगेटिव होगा तो उन्हें जो लॉस हो रहा है. नेक्स्ट डिफरेंट व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एन पी वी इन्वेस्टमेंट टू एसेट टू असेस
प्रोबेबिलिटी इस हम एन पी जो है बेसिक पर्पस हमारा यही होता है कि हम मालूम कर सकें उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या माइनस नेगेटिव में है, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रॉफिट आ रहा है या लॉस हो रहा है। नेक्स्ट डिपेंड इफ द कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट इज़ 50 देन एंड द सेलिंग प्राइस इज 80, व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो ये परसेंटेज में बताना है आपने डिफरेंस। तो नेक्स्ट डिफरेंट इन पाकिस्तान द कल्टिवेशन, अब डिफरेंट जितने भी 20 MCQs हैं ये एग्रीकल्चर के अबाउट होंगे। तो वह इन पाकिस्तान द कल्टिवेशन ऑफ बासमती राइस इज़ पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद विच रीजन, तो डिफरेंट ये मुल्तान है। नेक्स्ट डिफरेंट नेक्स्ट है द कल्टिवेशन ऑफ बासमती एसोसिएटेड विद डिफरेंट, ये आई थिंक मुझे शक है शायद सियालकोट के जो है ना वो राइस काफ़ी मशहूर हैं, तो ये भी हो सकता है, ये आपने एक दफ़ा चेक कर लेना डिफरेंट इससे। नेक्स्ट डिफरेंट द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग, नहीं तो मैं अगली वीडियो में इसका बता दूंगा। नेक्स्ट डिफरेंट द मेजर व्हीट प्रोडक्टिंग रीजन इन पाकिस्तान इज़, तो ये पंजाब है। नेक्स्ट डिफरेंट विच ऑफ द क्रॉप इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर, तो ये डिफरेंट इसका कॉटन है। नेक्स्ट डिफरेंट द टर्म किसान पैकेज इन पाकिस्तान इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज, इसमें दी गई थी। नेक्स्ट डिफरेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, तो वाटर स्कैरसिटी है। नेक्स्ट डिफरेंट व्हाट इज़ द मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ इरीगेशन ऑफ वाटर इन जो है वो रिवर है। नेक्स्ट डिफरेंट द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप इज सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमी ऑफ द डेजर्ट रीजन ऑफ पाकिस्तान, तो डिफरेंट ये है वीट है। नेक्स्ट डिफरेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई वैल्यू कैश क्रॉप कल्टिवेटेड इन सवात वैली ऑफ खैबर, तो इसमें डिफरेंट सवात वैली में ज़्यादातर जो ग्रो की जाती हैं डिफरेंट इसमें ग्रेप्स है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो वीट है, और वीट कह दिया डिफरेंस सी ऑप्शन है, डेट्स हैं, डेट्स भी ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट विच ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड सच एप्पल्स एंड चेरीज, तो ये KPK है। नेक्स्ट डिफरेंट द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप इज मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रूरल पॉपुलेशन इन स्वात, तो ये ऑरेंजेस है एंड पोटैटो भी हो सकता है। नेक्स्ट डिफरेंट द लाइफ स्टॉक सेक्टर इन पाकिस्तान ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट डिफरेंट द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन इन पाकिस्तान इज पंजाब है। नेक्स्ट डिफरेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑयल सीड क्रॉप कैनोला है। नेक्स्ट डिफरेंट द इंडस रिवर बेसिन इरीगेशन सिस्टम ऑफ द वन इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड एंड विच सर्व्स एज द एग्रीकल्चर विच रीजन ऑफ द पाकिस्तान, साउदर्न पंजाब है, साउदर्न पंजाब। नेक्स्ट डिफरेंट विच क्रॉप इज नोन एज द किंग ऑफ क्रॉप, टू वीट है। नेक्स्ट डिफरेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज प्राइमरली ग्रोन इन रबी सीजन, तो वीट है। नेक्स्ट डिफरेंट रेड सिंधी जो है वो ये कैटल की एक ब्रीड है। नेक्स्ट खरीफ सीजन पाकिस्तान इज एसोसिएटेड विद द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन है। नेक्स्ट डिफरेंट इसका जो सही ऑप्शन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ये बी फैक्टर है। नेक्स्ट 40% है अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट डिफरेंट दी टर्म जिमीदार इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान रेफर्स टू लैंड ओनर, जिसके पास काफ़ी लैंड ओनर हों, बी ऑप्शन इसका डिफरेंस करेक्ट है। तो डिफरेंस इसी तरह मैं एग्रीकल्चर के, इंग्लिश के और जो है वो GK के एंड बाकी भी मैथमेटिक्स के अलग से 5 ये सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे बनाऊंगा डिफरेंस। इसमें मैथ के सारे जो है ना वो क्वेश्चन सोल्व करूंगा, उसमें फार्मूलाज आपको बताऊंगा, वो फार्मूला अगर आपको आने लग जाएंगे तो आप आसानी के साथ बाकी भी सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके डिफरेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।